अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज मैं आपको हॉबी गो स्टोर लेके आई हूँ। वीकेंड एंड ग्रॉसरी शॉपिंग विद यू। सो आई एम ऑलमोस्ट डन जी, बट लिटल बिट मोर। आप सब लोग बताएं, आप सब लोग कमेंट करके बताएं कि ग्रॉसरी आप सब लोग किस डे पे करते हो। मैं तो एक्चुअली, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं वीकेंड में आके कर लेती हूँ। एंड दे डिलीवर एट माय हाउस, तो फिर अच्छा रहता है। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर स्नैक्स बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। सो लास्ट 3 डेज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फ्लू एंड फीवर। नाउ मैम, अभी मैं ठीक हूँ, बट जो मेरे किड्स हैं वो अब फ्लू का, लाइक उनको फ्लू है, तो क्या कर सकते हैं। आपको तो पता है जब फ्लू एंड फीवर होता है तो फिर कुछ खाने का दिल नहीं करता और अजीब अजीब होता है। और लाइक सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, जब एक मरतबा इंटर कर जाए ना घर में फ्लू और फीवर, तो उसके बाद फिर वन बाय वन सारों की बारी आती है। सो मैंने तो अपनी बारी कंप्लीट कर ली, अब उनकी बारी है। सो 2 kids are वो है इन्वॉल्व है जी, हमारे लिए नहीं है। दिस इज वाइन सेक्शन, तो नज़र भी आ रहा होगा। और इसमें सब कुछ फ्रोजन मिलता है यहाँ पे। एंड दिस यहाँ पे मैंने नहीं आना क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, ठीक है। और बच्चों को मैं यहाँ पे मतलब नहीं अलाउ करती कि वो आइसक्रीम ले, क्योंकि फिर आपको तो पता है, और इतना डर लगता है ना हमें, लाइक जब ये कोविड वगैरह ये जो आया हुआ है, तो इससे भी बहुत डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जब फ्लू और फीवर होता है ना, तो हमेशा जब ये प्रोलॉन्ग हो जाता है बीमारी, तो डर लगता है कि कहीं हमें वो तो ना हो गया कोविड। बहुत डर लग रहा था मुझे। बट इस टाइम जो मुझे फीवर हुआ था, वो लाइक मुझे तो लग रहा था कि मेरा डन, मुझे यही प्रॉब्लम है, कोविड है मुझे, क्योंकि 4 दिन से मैं बेड पे थी और लाइक कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता था। लाइक डीजी थी मैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि मुझे कहीं वो ना हो गया हो। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी थोड़ा सा हेडेक है मुझे, बट इस वाली बीमारी ने मुझे हिला के रख दिया बहुत डरा के रख दिया इसने मुझे। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम डूइंग गुड, क्योंकि अगर मॉम बिस्तर पे लग जाए ना, तो फिर तो घर का निज़ाम जो है ना, वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है एक इंसान के ना होने से। तो जी यही लाइफ है, ये सेक्शन हमारा देसियों के लिए, जो देसी लोग हैं ना, ये यहाँ पे मसाले मिलते हैं। जैसे देखिए ये सामने कोकोनट ऑयल, और ये सारे मसाले जो है ना, ये देसी वाले हैं हमारे। ये देखिए ये आटा, और दिस इज जी गोल्डन टेम्पल जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं, रेड वन एंड गोल्डन, दीज टू आर द बेस्ट।
और ये देखें ये हमारे इंडिया से ये सब कुछ आता है पार्सल के थ्रू, ये सब कुछ इंडिया वाला है। तो मैं ऑलरेडी पिक कर चुकी हूँ अपने मसाले सब कुछ यहाँ से। ये देख लें ये बने बनाए हुए सब कुछ मसाले। एंड ओवर हियर हमारे पास यहाँ पे अचार, सॉस, इमली की चटनी माय फेवरेट, ये देखें दिस वन। जब देसी चीज़ें यहाँ पे मिलती है ना तो दिल बहुत खुश हो जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, दिस सेक्शन इज माई फेवरेट वन, बहुत पसंद है मुझे ये। यहाँ पे वेसल्स, ओह माय गॉड लुक एट दिस, सो क्यूट, कितना क्यूट वेसल है, मुझे लाइक बहुत पसंद है ये सेक्शन। हर स्टोर में मैं इसको ज़रूर विजिट करती हूँ जब जाती हूँ ना, तो आई एम श्योर हर औरत को यही होता है डिज़ायर कि अपना घर वो करे, डेकोरेट करे, अच्छा लगता है। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, और स्टोर पे बहुत ज़्यादा लाइक फुल भरा होता है सेक्शन। एंड ये देखी थी ये यहाँ पे डिश वॉशिंग एवरीथिंग, ये सब कुछ यहाँ पे ज़िप्लॉक्स। चले दूसरे सेक्शन में आपको दिखा देती हूँ। ये तो जी हमारे काम का नहीं है कुछ भी। ये है लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है, ये सारा पपीज और डॉग्स कैट्स का जो सामान है ना वो है फूड। मेरे पास तो कोई पेट नहीं है। ये देखिए जी ये, तो चलिए जी मैं इंजॉय करती हूँ आगे जाके अपनी शॉपिंग ग्रॉसरी की डन करती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक प्यारी सी मे बी रेसिपी के साथ और अच्छी सी जगह के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।